हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, अभी तक भी जो मेरी वीडियोज़ हैं उन पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब जो फीमेल्स होते हैं वो पूछ रही होती हैं कि भाई हमें ये सिम्टम है तो क्या हमें विजिट करना चाहिए या नहीं, या हमें और इंतज़ार करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ कि जिसमें आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है और अपनी गायने को विजिट करना है। वैसे मैं आमतौर पर बता दूँ, जो एक फीमेल होती है उसको अपने टीन एज में, यंग एज में और जब उसकी एज हो जाती है पोस्ट मेनोपॉज, तो इन तीन स्टेजेस में आपको गायने को कंसल्ट वैसे भी करना चाहिए, चाहे आपको कोई दिक्कत है चाहे नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मेन सिम्टम्स है, अगर वो दिखते हैं तो उन्हें अवॉइड नहीं करना है। हाँ, तो वो सिम्टम्स क्या है ये जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सिम्टम है वो मेनार्के से रिलेटेड है। मेनार्के यानी कि फर्स्ट पीरियड। हर लड़की का फर्स्ट पीरियड ऑन एन एवरेज देखा गया है आज के टाइम में अराउंड 10 से 12 साल की एज में आ जाता है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो मेनार्के होता है ये स्टार्टिंग में रेगुलर नहीं होता, इसको रेगुलर होने में अराउंड 2 साल लग जाते हैं। मीन्स जो आपके पीरियड्स होते हैं कभी 2 महीने छोड़ के आ रहे हैं, कभी 3 महीने छोड़ के आ रहे हैं, तो वो हर महीने नहीं आते, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये पीरियड्स रेगुलर नहीं हो गए हैं, आपको 2 साल हो गई है, तो फिर आपको वेट नहीं करना है, फिर आपको गायनेको कंसल्ट करना है। जो आपको मेनार्के स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपको लड़की के शरीर में कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें हेयर्स की ग्रोथ होना। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आप देख रहे हो लड़की की उम्र 14 साल हो गई है, तो ऐसे में आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी गायनी को कंसल्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिम्टम हो जाता है कि अगर लड़की की उम्र 16 साल हो गई है और उसको पीरियड्स नहीं हुए, तो भी ऐसी कंडीशन में आपको गायनेको कंसल्ट करना है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं उनको जो पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, वो इतना होता है कि वो आराम से सहन कर लेती है। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी हो जाती हैं उनको सीवियर पेन होता है, तो अगर इतना पेन हो रहा है पीरियड्स के टाइम पे कि आपको वो सहन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी गायनी को विजिट करना चाहिए। वो आपको इसके लिए कुछ दवाइयाँ देती हैं और वो जो दवाई होती है वो सेफ होती है, और उसको अधिकतर जो आपका स्टार्टिंग का दिन होता है उसी दिन लेना होता है, क्योंकि उसी दिन स्टार्टिंग के 1-2 दिन ही बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन बाद में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपनी गायनेको को विजिट करना चाहिए, किसी दूसरी अपनी फ्रेंड से पूछ के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर देखा गया ऐसे केसेस में भी आपका शरीर अलग है, किसी दूसरे का अलग है, तो उनके लिए भी दवाइयाँ आपकी गायनी कभी कभी अलग प्रिस्क्राइब करती हैं, तो एक दूसरे से सजेशन ना लें, आपको गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। जो आपके पीरियड्स होते हैं ऑन एन एवरेज देखा गया है उसकी ड्यूरेशन होते हैं 2 से 7 दिन। ठीक है, एक एवरेज रेंज है। तो अगर आपको लगता है ये जो रेंज है इसमें भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, और ऐसा 2 से 7 दिन तक लेके आपको रेगुलर हो रहा है, तो भी ऐसे में आपको अपनी गायनी को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 7 दिन तक ही हैवी पीरियड आए। स्टार्टिंग 1-2 दिन हैवी होता है, फिर वो हल्के होते चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पीरियड्स हैवी हैं लगातार ही, तो आपको गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर फिजिकल रिलेशंस बना रहे हैं और उसमें भी आपको हर रोज़ उतना ही पेन लगता है कि अगर आपको स्टार्टिंग के जो दिन था उस टाइम पे लगा था, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ऐसा हर रोज़ नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपनी गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप फिजिकल रिलेशंस के बाद आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी दिन आप एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको गायनी को कंसल्ट करना है, ये तो एक अच्छी न्यूज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको कंसीव नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको गायनी को कंसल्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा वेट ना करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, मैं कहूँगी अराउंड जब आप 20 साल की हो जाती हैं, तो उस टाइम से ही मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में कि हर महीने आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। हर महीने एग्जामिनेशन से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर कोई भी गांठ या लंप आपको अलग से एकदम से फील होता है अपनी ब्रेस्ट में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको गायनी को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उससे रिलेटेड।
इसके बारे में भी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है एक फीमेल का, फीमेल उसके साथ कंफर्टेबल होती है, उसको उसमें से स्मेल नहीं आती, मतलब जो उसकी स्मेल है वो उसके साथ कंफर्टेबल होती है, उसे कुछ अजीब नहीं लगता है। लेकिन आपको अगर अचानक से अपने जो आपका डिस्चार्ज है उसी में से स्मेल आने लगे तो ये चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं है, और स्मेल के साथ साथ अगर आपको इचिंग होती है या फिर जो आपका डिस्चार्ज है उसका कलर है वो आपको कुछ अलग दिख रहा है, मीन्स आपको रेड ब्राउन ग्रीन येलो इस टाइप का दिख रहा है, तो ऐसे में भी आपको गायने को कंसल्ट करना चाहिए, ये एक साइन हो सकता है वजाइनल इन्फेक्शन का। ठीक है, आपका पेल्विस रीजन है, मीन्स आपकी जो लोअर बैक है, लोअर एब्डोमेन है, ये वाला जो रीजन है, अगर इसमें आपको पेन जैसा लगता है, कुछ हैवीनेस लगता है, या ऐसा लगता है कि जो आपका वजाइना उसमें कुछ हैवीपन लगता है, और ऐसे सिम्टम आपको पहले नहीं थे अब एकदम से आ रहा है, तो ऐसे में भी आपको कंसल्ट करना चाहिए गायने को, क्योंकि ये भी ये एक साइन हो सकता है यूट्रस प्रोलैप्स का, या और भी कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे साइन पे भी आपको ध्यान देना है। हाँ, तो फ्रेंड जो इसके बाद सिम्टम है वो मैं बताना चाहूँगी पोस्ट मेनोपॉज फीमेल्स के लिए, यानी ऐसी फीमेल्स जिनके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, तो उनको क्या करना है, अगर उनको लगता है उनके पीरियड्स खत्म हो चुके उसके बाद भी 3 महीने बाद 6 महीने बाद उनको स्पॉटिंग दिखाई देती है, लगता है हल्का सा ब्लड आया है या हल्का आता है ज़्यादा जैसा भी है, तो ऐसे में उनको तुरंत अपनी गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए, ये एक साइन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो हमारे हॉस्पिटल की गायनी है वो ये एडवाइस करती है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। जो फीमेल्स होती हैं इतने उनको पीरियड्स होते हैं, तो उनको एडवाइस किया जाता है पीरियड्स के दिनों में आपको पहनने चाहिए डार्क कलर के अंडरगारमेंट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो जाती है तो एकदम से मतलब जो आपके कपड़े हैं गंदे नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है पोस्ट मेनोपोज वाली फीमेल्स में, यानी कि अगर आपके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तो उन फीमेल्स को बोला जाता है कि आपको लाइट कलर की पैंटीज आपको यूज़ करनी चाहिए, वो इस चीज़ में हेल्पफुल होती है। अगर कभी बाई चांस आपको स्पॉटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली अगर आपने डार्क कलर की पैंटी पहनी हुई है तो उसमें वो दिखाई नहीं देगी, अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो उसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि एकदम से हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, कभी कभी सिर्फ स्पॉटिंग होती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो अगर कोई हल्की सी स्पॉटिंग भी होती है और आपने पहनी हुई है लाइट कलर की पैंटी, तो ये आसानी से आप रूल आउट कर सकती हैं कि अरे भाई ये स्पॉटिंग कैसे हुई, क्योंकि आपको तो पीरियड सब होते ही नहीं है। तो इस एडवाइस को आप मेरी फॉलो करें ज़रूर, अगर आप एक ऐसी फीमेल है जिसको पीरियड सब नहीं आते हैं तो आपको लाइट कलर की पैंटीज आपको यूज़ करनी चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे कि अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको तुरंत ही अपनी गायनी से कंसल्ट करना है। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जिसको भी आप लगता है ज़रूरत है अवेयरनेस की कि भाई इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।